बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो आप लोग देखें कि ये बकरीद की रेसिपी के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग बकरीद के लिए एक मैं नई रेसिपी दे रही हूँ आपको, नमकीन पेशावरी गोश्त, सही है? ओके, अच्छा। अभी मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, ये कम से कम आधी प्याली के बराबर। अच्छा, इसमें फिर बहुत आसान रेसिपी है और बहुत टेस्टी रेसिपी है, बकरीद पे बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। 2 चम्मच इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन के डाल रही हूँ। अच्छा, इसके बाद ये मैं थोड़ा सा इसको, इसकी जो स्मेल है उसको मैं ख़त्म कर दूँ। अच्छा, अब इसके अंदर ये मैं तकरीबन 2 किलो गोश्त है, ये मटन 2 किलो मटन है, लेकिन मैंने इसको साफ सूफ करके ये 1.5 किलो ही रह गया, क्योंकि मैं इसकी चर्बी सारी निकाल देती हूँ। चर्बी हम लोग नहीं खाते, उसकी अलग स्मेल आती है बहुत। तो ये माशाल्लाह मेरी साफ़ सुथरी सी है चिकन के मटन की बोलियाँ हैं, तो ये मैंने सारी डाल दी है। 2 किलो था ये, 2 किलो पौने 2 किलो या 1.5 किलो होगा जितना भी है, अब आप लोग देखने का अंदाज़ा करिए। तो माशाल्लाह अब इसका कलर चेंज हो जाए ये गोश्त का, तो फिर मैं इसके अंदर ये टमाटर वगैरह डाल के बताती हूँ, सिर्फ चेंज हो जाए कलर। अब ये इसका देखें, इसका ये कलर चेंज हो गया इसका, और ये पानी इसका गोश्त का सब ड्राई हो गया। तो अब इसके अंदर मैं ये 5 मैंने टमाटर काटे थे छिलके समेत हैं, इसका छिलका मैं बाद में निकाल लूँगी। और एक ये छोटी साइज़ की, बिल्कुल स्मॉल साइज़ की मैंने प्याज ली, उसके 4 पीस कर लिए। ये 5 हरी मिर्चें ली हैं ये मैंने, और कुछ नहीं डाल रही मैं, बाद में नमक डालूँगी बस। ये नमकीन गोश्त बहुत मज़े का बनता है, आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे तो आप लोग फिर ये रेसिपी नहीं भूलेंगे, सालन से बहुत अच्छा होता है ये। ये मेरा छोटा सा कुकर है ये, क्योंकि मुझे कुकर में पकाते हुए बहुत डर लगता था, लेकिन ये क्या है, इसका कवर जो होता है ना अंदर हो जाता है इसलिए, लेकिन ये छोटा सा है, मेरा बहुत काम का कुकर है ये। अब इसके अंदर ये मैं 1/2 और 1/2 1 टीस्पून के बराबर मैंने नमक डाला है बस, और कुछ मसाले नहीं डाले इसके अंदर मैंने, धनिया मिर्चे कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये नमकीन गोश्त है। इसे पानी तो डाल दूँ ना, गलने का पानी डाल दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कब निकल जाएगा। बस इसका कवर कर रही हूँ, इसको मैंने 3 या 4 सीटियाँ दी हैं बस, 4 सीटियाँ दी हैं बस। अब इसको ये छिलके जो मैं इसमें थे ये निकाल लूँगी मैं सारे, बस ये छिलके सारे निकाल लिए टमाटर के, टमाटर गल चुके हैं, इसका पानी ज़रा सा ये पूरा ड्राई हो जाए। इसको मैंने चूल्हा इसको तेज़ किया हुआ है मैंने इसको, ताकि इसका पानी जो है ना खुश्क हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मसाले तो पड़ते ही नहीं है कुछ भी ना, बहुत मज़े का नमकीन आएगा ये, नमकीन मज़ा आता है। बस इसमें आखिर में जो होते हैं ना काली मिर्चें डालेंगे, अगर अभी मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया ना इसके अंदर, तो ये सालन जो है ना काला हो जाएगा, ये तो कभी भी नहीं डालते। एक तो गरम मसाला आखिर में डालते हैं जब इस दम दे चुके होते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं, जब गरम मसाला भी डालते हैं और काली मिर्चें भी जब भी डालते हैं। तो ये एक ट्रिक है जो आप लोग मैंने दी आप लोगों को, बस इसमें पकाते वक्त कुछ नहीं डालते। अब ये मैं इसका बस ये पानी ड्राई करती हूँ, और इसके अंदर
जब ये थोड़ा सा कम रह जाएगा पानी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ देखें, बिल्कुल भुन चुका है ये और गल भी चुका है, माशाल्लाह बहुत अच्छा गला है। एक दिखा देती हूँ, मैं हाथ से तो तोड़ूंगी नहीं, मैं ये देखें, हाँ बहुत अच्छा गल गया ये देखें, तो इसलिए मैं तोड़ना नहीं चाह रही, बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना है ये नमकीन गोश्त। अच्छा, इसमें आखिर में अब हम ये चार हरी मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर, बस ये डाल के, और आखिर के अंदर ये एक टीस्पून, आधा डालूंगी बल्कि मैं आधा बचा लूँगी, आधा टीस्पून ये काली मिर्चों का डाल रहे हैं, और डाल के इसको पकाएंगे नहीं, बस चूल्हा बंद कर दूँगी मैं। क्योंकि पकाने से ना ये काला हो जाएगा। बस नमकीन पेशावरी गोश्त तैयार हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप लोग बनाएंगे, आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, ज़बरदस्त है। और गर्मियों के लिए, और आगे बकरीद आ रही है तो बकरीद के लिए एक नई रेसिपी तैयार है, आप लोग बनाएं, इंजॉय करें, और हमको दुआओं में याद रखें। हम लोग आप लोगों को हर वक्त दुआ, अपने तमाम देखने वालों को मैं हर वक्त दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।